हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वो स्टेनोग्राफर सीएनडी एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के है। और इसमें कह रहा है अपलोडिंग ऑन टेंटेटिव आंसर की ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सीएनडी एग्जामिनेशन 2020। तो यह कह रहा है कि टेंटेटिव आंसर की सीबीटी का दे दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है यह स्टेनोग्राफर सी और डी का जो है 2020 एग्जाम वाला। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 वॉज हेल्ड ऑन 11 नवंबर 2021, 12 नवंबर 2021 और 15 नवंबर 2021 एट डिफरेंट सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ पे 11, 12 और 15 नवंबर को भारत देश में बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम हुए थे, ये कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला में द कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट्स एलोंग विद द टेंटेटिव आंसर की आर नाउ अवेलेबल ऑन द लिंक गिवन बिलो। द कैंडिडेट्स में लॉग इन इन द लिंक प्रोवाइडेड बिलो बाई यूजिंग दियर एग्जामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है कि कैंडिडेट्स का जो रेस्पॉन्स शीट है और उसका जो आंसर की है वह नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हो गया है। वे जो कैंडिडेट्स हैं वे लोग लॉगिन कर सकते हैं अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा में जो है वो तीसरे नंबर पर रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द टेंटेटिव आंसर की इफ़ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 25 नवंबर 2021 के 6 बजे शाम से लेकर के 28 नवंबर 2021 के शाम के 6 बजे तक ऑन पेमेंट ऑफ ₹100 पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज्ड। तो यहाँ पर है कि अगर इसमें किसी को चैलेंज करना है टेंटेटिव आंसर की को देख करके किसी को लगता है तो वो 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख के बीच में ये ₹100 पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 28/11/2021 यानी कि 28 नवंबर 2021 के बाद जो भी होगा वो उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, उसको रिसीव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है। तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डेट है वह है 25/11/2021 से लेकर के 28/11/2021 तक में आप अपना जो है क्वेश्चन आंसर को चैलेंज में दे सकते हैं बोर्ड के। द कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स शीट्स एलॉन्ग विद द टेंटेटिव आंसर की बाय यूजिंग द लिंक गिवन बिलो। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम 25/11/2021 से लेकर 28/11/2021। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स जितने भी हैं एग्जाम लिखे हुए अपना रेस्पॉन्स शीट को और साथ साथ आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं जो लिंक दिया गया उसी से। और यह जो है 25 से लेकर के 28 नवंबर के बीच यह अवेलेबल रहेगा, उसके बाद में यह फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगा, यह भी कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर सेक्रेटरी जो है वो डेट है आज ही का डेट में दिया गया है 25 नवंबर का। और ये है अपना लिंक दिया है लिंक फॉर कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स शीट टेंटेटिव आंसर की। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको सीधे वहाँ पर आपको डालने के लिए कहा जाएगा और आप वहाँ पर डालिएगा और फिर आपको सीधे सीधे जो भी चीज़ें हैं आपको वो सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यह एक बड़ा नोटिस है। तो जो भी स्टेनोग्राफर का सी एंड डी वाला जो है 2020 का एग्ज़ाम वो लिखे हैं वो अब यहाँ पर अपना रेस्पॉन्स शीट को और आंसर की को देख सकते हैं। तो यही है नया नोटिस जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आ गया है, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो यह है आपको ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट डेट है वो ध्यान रखना है।